अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शुमाइला चौधरी और आप देख रहे हैं क्रिकेट एशिया कप की स्पेशल ट्रांसमिशन स्पोर्ट्स ऑन। गेम उठा दो, एशिया कप सुपर फोर मरहले का आखिरी मैच इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान खेला जा रहा है। इंडिया ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया और बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए इंडिया को 266 रन का टारगेट दिया है। इस पर मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इरफान जहीर और उस्मान रजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप दोनों? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। चले जी, आज तो कोई बारिश नहीं हुई और मैच भी बड़ा आराम से ही हो गया। और आज ना हो भी जाती तो कोई ऐसा उसका इफेक्ट नहीं आना था और हमने कोई दुआएं नहीं मांगनी थी। कल सारी कौम बारिश की मेरा ख्याल दुआ करती रही कि ना हो और मैच के लिए कम दुआएं की। लगता है बारिश को भी पता था कि जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना है तभी होना है। ऑब्वियसली हमारे मैचेस पे काफी इसने इफेक्ट किया, बट ऑब्वियसली इस पे एक हम लंबी डिबेट ऑलरेडी कर भी चुके हैं, करते भी रहेंगे कि क्या क्या। इरफान, जो टारगेट दिया है इंडिया को 266 रन का, कैसे देखते हैं आप उसको? देखिए, बांग्लादेश के लिए एक मॉरल विक्ट्री ही हासिल करने की वो कोशिश कर सकते हैं। ऑब्वियसली उन्होंने इस पूरे इवेंट के अंदर एक विक्ट्री पहले हासिल की अफगानिस्तान के अगेंस्ट, उसके अलावा वो तमाम अपने मैच हारे। तो ओबियसली वर्ल्ड कप से पहले एक आपने मोमेंटम गेन करना होता है और आप एक अच्छे हाई नोट पे जाना चाहते हैं, उस लिहाज से उन्होंने कोशिश की। उन्होंने भी एक चेंजिंग की, उन्होंने अपने मेन जो प्लेयर थे मशफिक रहीम, प्लेयर्स को जो है वो उन्होंने एक रेस्ट किया। इंडिया ने तो खैर अपने फाइनल से पहले चार अपने मेन प्लेयर को रेस्ट दिया, जिसमें कुलदीप यादव, बुमराह, पांड्या और विराट कोहली, इनको रेस्ट दिया गया बड़े मैच से पहले। ओबियसली संडे को बड़ा फाइनल है उनके लिए और तो उन्होंने रेस्ट दिया। बट बांग्लादेश के लिए ऑब्वियसली ऑल आउट जाना था। उन्होंने हमने देखा कि टॉप थ्री बैटर नहीं रन कर पाए, बट उसके बाद जो शहीद हरडाय और शकीबुल हसन की जो पार्टनरशिप थी बहुत आउटस्टैंडिंग थी। Exactly. उन्होंने एक मोमेंटम दिया पूरी टीम को और ये अच्छे टोटल तक आए और लेट मिडल ऑर्डर ने और टेल ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। उसमें नसीम ने बड़ा शानदार इनिंग्स खेली। मेहदी हसन की बात करें तो उन्होंने बड़ी शानदार 29 बनाए। ओवरऑल बिट्स एंड पीसीज में परफॉर्मेंस इनकी रहती है, कंसिस्टेंट नहीं रहती, बट एक इंडिया को हमने देखा और श्रीलंका को ये हमेशा थोड़ा टफ टाइम देते हैं और एक अच्छा मोर देन रीजनेबल टोटल कहना चाहिए वो कर पाए हैं, कंसिडरिंग दैट के इनके पास विराट नहीं है आज और पांड्या नहीं है मिडिल ऑर्डर में। तो ये इतना आसान चेज मुझे नहीं लगता, क्योंकि अंडर द लाइट्स एक तो मुश्किल होता है श्रीलंका में, दूसरा स्पिनर को ये विकेट ज़्यादा मदद दे रही है। बट आज तो अगर बॉलिंग की बात भी करें तो थोड़ी सी मिक्स एंड मैच किस्म की बॉलिंग थी भारत की। ओबियसली शामी आज खेल रहे थे, शुरू में उन्होंने अच्छी बॉल की, बाकी जितने भी बॉलर थे, शार्दुल ठाकुर ने 3 विकेट तो ली बट ओबियसली वो एक्सपेंसिव भी उतने ज़्यादा रहे। तो ये ओबियसली अपने वो आप बेंच स्ट्रेंथ को भी आजमाना चाहते हैं और भारत के पास था लिवरेज थी कि वो अपनी स्ट्रेंथ को भी देखें और उनके साथ अपने फाइनल के लिहाज से अगर कोई एक आधी चेंजिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसमें से आज देखना चाह रहे थे। बट मोस्ट लाइकली जो हमारे गेंस उन्होंने टीम या श्रीलंका गेंस उतारी थी वही फाइनल खेलेगी। सही। अच्छा उस्मान साहब, बांग्लादेश ओवरऑल इस टूर्नामेंट में जो है ना वो परफॉर्म नहीं कर पाया, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि कोई कैप्टेंसी में कोई प्रॉब्लम थी, उसमें कोई चेंज आना चाहिए था? देखें, शकीबुल हसन को तो बाकायदा रिक्वेस्ट करके वापस बुलाया गया और तो कप्तानी पे तो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, ऑल फॉर्मेट्स खेले हैं और बड़ा लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है उनके अंडर द बेल्ट, ही इज कैरिंग इट। लेकिन ये हम तकरीबन एशिया की सारी टीमें ही एट टाइम्स चोक कर जाती हैं, लेकिन अफगानिस्तान और बांग्लादेश की सूरत कुछ ऐसी इस पूरे टूर्नामेंट में दे कुड नॉट परफॉर्म वेल। ऑल दो वो सारे टीम का कोई लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस ओवरऑल नहीं है, कप्तानी का एक्सपीरियंस शकीब के पास ज़रूर है, लेकिन टीम इन एक्सपीरियंस डे दे आर इन मेकिंग और उन्होंने उन्हें अंदाज़ा था कि पहले मरहले के जो है दो मैचेज हारने के बाद, सुपर फोर के दो मैचेज के बाद, कि भाई ये हमें फेस सेविंग के साथ एक अगेन वही बात जो इन्होंने की है इरफान साहब ने, कि इसका फाइनल जो रिजल्ट है जो फाइनल है उसके ऊपर तो पॉइंट टेबल पे फर्क पड़ने वाला नहीं था, एक मॉरल विक्ट्री के साथ वो जाना चाह रहे थे और दोनों टीमों ने उसी तरह स्क्वाड जो है वो उतारे हैं। उन्होंने मुश्फिकुर को रेस्ट दिया और शकीब ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, तो कप्तान ने तो कैप्टेंसी का रोल जो है प्ले किया। ओवरऑल टूर्नामेंट में भी शकीब उसका तो मेरा ख्याल है कि शकीब ही लीड करेंगे उनके वर्ल्ड कप के स्क्वाड को भी ओवरऑल। लेकिन इंडिया ने जो चेंजेस किए हैं उसमें दो चीज़ें टेस्ट होंगी इस तरह से ना, देखिए मैच्योर टीम्स या जब आप फाइनल के लिए आपको क्लियर होता है कि भाई हम अब जा रहे हैं खेलने के लिए, तो इस तरह के ट्राई की जाती है कि हम अपने बाकी जो बेंच स्ट्रेंथ है या अदरवाइज जो प्लेयर्स हैं उनको भी मौका दें। उन्होंने डेब्यूटांट खिलाए हैं आज, उनको डेब्यू करवाया है, अपने चार मेजर प्लेयर्स ने उनको रेस्ट दी है और उनके जो है अपनी बॉलिंग स्क्वाड के अंदर उनके कल उन्होंने जब श्रीलंका के परसों अगेंस्ट खेलना है तो उनकी स्पिन जो है वो भी आज पता चल रहा है उन्हें कि भाई किस हद तक
अगर एक्सपेंसिव जाना है नहीं जाना है, कौन कौन से बॉलर्स यूज़ करने हैं। शामी को मौका दिया, शामी ने विकेट्स भी निकाले और सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह ही प्लानिंग की जाती है फाइनल्स के लिए, और ये सिर्फ फाइनल्स में उनको हेल्प आउट नहीं करेगी इंडिया को, ये जो आगे वर्ल्ड कप की तैयारी है उसके लिए भी उनको हेल्प आउट करेगा, क्योंकि इससे मिलते जुलते ट्रैक्स ही पे खेलना है, एशियन पिचेस पे ही खेलना है जाके, तो वो स्ट्रेंथ को चेक कर रहे हैं। और इसमें बांग्लादेश के मैं एक पॉइंट एक ऐड करना चाहूँ कि आज में उनको पॉजिटिव जाना चाहिए, क्योंकि उनको माइंड में रखना चाहिए कि भारत एक दफ़ा पाकिस्तान के गेस 10 के 10 बैटर उनके फास्ट बॉलिंग पे आउट हो चुके हैं, और श्रीलंका के गेस 10 के 10 स्पिनर से आउट हो चुके हैं। तो इनके पास दोनों बड़े तगड़े हैं, शरफुल बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और तस्कीन बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, तो ये आपके पास इनके पास पेस अटैक भी अच्छा है, और बाद में मैदी बड़ा ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, शकीब खुद बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो ये इनके पास स्पिन भी अच्छी खासी है, तो ये कॉम्बो इनके पास अच्छा है। इनको ऑल आउट के लिए जाना चाहिए, रन रोकने के चक्कर में पड़ेंगे अगर बांग्लादेश तो इनको रोक नहीं सकते, रिस्ट्रिक करना मुश्किल होगा। इनको ऑल आउट विकेट्स के लिए जाना चाहिए, और यही एक स्ट्रेटजी रख के अगर बांग्लादेश अटैकिंग फील्ड प्लेसिंग करता है, जो हम बाबर के पार्ट पे बात करते हैं कि थोड़ा लैग करते हैं तो हमें उसमें सफर करना पड़ता है, शकीब अगर इस अप्रोच से जाते हैं तो दे हैव वेरी गुड चांसेस इन दिस मैच। इरफान, इंडियन की बात करें तो ये वेस्ट इंडीज से अपनी सीरीज हारने के बाद काफी ज्यादा अंडर प्रेशर थे, लेकिन अब इनकी परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहें? ऑब्वियसली अब वक्त के साथ आप अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करते हैं एज ए टीम भी, एज ए प्लेयर भी, और आपके ऊपर ऑनस भी बढ़ता है एज ए कैप्टन भी, और ओबीसी शकीब के ऊपर बहुत प्रेशर है कि अब लाइफ में इनके कैरियर को देखा जाए, 2006 साल से इनका कैरियर स्टार्ट हुआ, तीसरी चौथी दफ़ा इनको कैप्टनसी का ये जो है ऑब्लिगेशन इन पे आई है, जिम्मेदारी आई है, तो इनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का एहसास है कि मेरे ये कैरियर का माइट बी दिस इज द लास्ट वर्ल्ड कप, और वो कुछ अच्छे हाई नोट पे इसको ख़त्म करना चाह रहे होंगे। अच्छा बंच में उनके साथ है, बट उस बंच के अंदर मेरा ख्याल है तमीम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अगर वर्ल्ड कप से पहले वो फिट होते हैं तो जो इनका टॉप ऑर्डर का प्रॉब्लम है वो किसी हद तक सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो आप इन इवेंट से, वर्ल्ड कप जैसे बड़े मेगा इवेंट से पहले इन इवेंट्स के अंदर आप अपने कॉम्बिनेशन ट्राई करके उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, तो होपफुली दे विल हैव अ बेटर वन। सही है जी, अब हम अपनी चलते हैं ट्रांसमिशन के, हमारे के टाइम एंड हो रहे हैं, और अगली इनिंग देखते हैं कि ये इस टारगेट को अचीव कर पाते हैं कि नहीं। अब तक के लिए बस इतना ही, क्रिकेट एशिया कप की स्पेशल ट्रांसमिशन स्पोर्ट्स ऑन गेम उठा दो जारी है, रात 11 बजे फन से भरपूर क्रिकेट मस्तियां प्रोग्राम सुनो न्यूज़ पर देखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।